सत श्री अकाल जी, तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही अजीत खबरों का विशेष बुलेटिन लैके हाजिर हाँ। सब तो पहला सुरखियां ते चात। रवनीत सिंह बिट्टू की प्रधानमंत्री मोदी नाल मुलाकात चर्चा च। नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ के मुद्दे ते ट्वीट किया। हरसिमरत कौर बादल ने बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते मुद्दा चुकया। पंजाब दे विच मिशन इंद्रधनुष मुहिम की शुरुआत ते जमीन के रौले करके गोली चली, तीन लोगों की मौत। तो हुण इन्हां खबरां दा विस्थार। लुधियाणा तो संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू दे वल्लों अज जदों भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल मुलाकात की गई तो पंजाब दे राजनीतिक गलियारां विच इस गल की खासी चर्चा शुरू हो गई है। इत्थे भी दसना बनता है कि रवनीत सिंह बिट्टू दे वल्लों बेशक यह गल कही गई है कि वह पंजाब दे मुद्दयां दे संबंध दे विच गलबात करन दे लई प्रधानमंत्री मोदी नूं मिले ने, पर पंजाब दी राजनीतिक आबो हवा दे विच इस दे कुछ होर ही अर्थ कढे जा रहे हैं। इत्थे भी दसना बनता है कि इस मुलाकात दे विच माहौल सुखावां रहण दीआं खबरां प्राप्त होईआं ने। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस तरीके रवनीत सिंह बिट्टू ते पंजाब दी सीनियर कांग्रसी लीडरशिप दे कुछ चेहरे इस वक्त हाईकमान ते पंजाब दी लीडरशिप तो कई तरह के नाल पीड़ित नज़र आ रहे हैं। भविख दे विच हो सकता कोई होर वड्डा फैसला उन्हां वल्लों कीता जावे, पर यह भी दसना बनता है कि रवनीत सिंह बिट्टू पिछले कई दिनों तो अपनी ही पार्टी के उत्ते सियासी निशाने बन रहे हैं। उन्होंने वालों हुण तक कई बार यह गल कही गई है कि पंजाब दे विच कई सीनियर नेता साडे गब्बर सिंह दे रूप दे विच सन, जिहड़े कि आ गए हाँ आ जाएंगे हाँ करते सन, पर विचों कुछ भी नहीं निकलिया। एक दिन उन्होंने यह भी गल कही सी कि हुण तक गिदड़ां दे झुंड शेरां दा शिकार करते सुने सन, पर साडे वाले पासे गधियां ने शेरां नूं मार दिता। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अज चंडीगढ़ दे मुद्दे दे उत्ते ट्वीट करके सवाल किए गए ने। उन्होंने यह गल कही कि पंजाब दे दर्जना पिंडां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ वसाया गया, इस करके चंडीगढ़ दे उत्ते पंजाब दा हक सी है ते रहेगा। उन्होंने यह भी गल कही कि इस तरीके दे नाल जो चंडीगढ़ नूं खोण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, यह कोई सुहावां माहौल सिरजण वाली गल नहीं। उन्होंने शायराना अंदाज दे विच यह गल कही कि चंडीगढ़ तां इक बहाना है, असल दे विच पंजाब दे पाणियां नूं हासिल करना है। इस तरीके की इबारत उन्होंने वरती है। उन्होंने इस इबारत तो बाद पता लगता है कि वह पंजाब की राजनीति दे विच सरगर्म हो रहे हैं, तो एक बार उन्होंने वालों चंडीगढ़ के मुद्दे के उत्ते नुकता चुक के यह दर्शा दिता गया कि वह इस मामले के उत्ते पिछे हटने वालों में नहीं। बीबी हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों अज लोग सभा दे विच बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा चुकया गया। दरअसल बीबी हरसिमरत कौर बादल ने यह गल कही कि लंबे समय तो अपनियां सजावां पूरियां कर चुके, जिन्हां विच प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर भी एक ने, उन्हां दी हुण तक रिहाई यकीनी क्यों नहीं बनाई गई। बीबी बादल ने यह भी गल कही कि हुण तक बंदी सिंघां दे नाल बहुत ज़्यादा ज्यादती हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन्हां सिंघां दी रिहाई दे लई ठोस उपराले करने चाहिए ने। इस तो अलावा उन्होंने यह भी गल कही कि केजरीवाल सरकार दे वल्लों प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई दे लई फाइल दे उत्ते दस्तखत नहीं किए गए। इस तो अलावा उन्होंने बंदी सिंघां दे संदर्भ दे विच अपने होर भी विचार पेश किए। समय सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ करना चाहती हूँ जिन्होंने पिछले 25-30 साल से अपनी सजा पूरे करने के बावजूद अभी तक वो जेलों में कैद है। सर, 1984 में जब ये कांग्रेस की सरकार ने हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमंदर साहब को टैंकों तोपों के साथ वहाँ पे हमला किया था, तो उस समय हमारे कुछ सिख भाई अपने भावनाओं में बहके उन्होंने ऐसे कदम उठा लिए थे जिस करके उन्हें सजा हुई। सर, वो उनकी सजा पूरी होके क्या दुगनी सजा हो गई है, लेकिन अब भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। गुरु नानक देव जी के 550 साल के जन्मदिन पे 2019 में इस सरकार ने ऐसे 8 सिखों को रिहाई के लिए स्पेशल रिमिशन के लिए उन्हें कहा था, और एक जिनको फांसी की सजा थी उनको उम्र कैद में गुरु उनको उम्र कैद में बदलने के लिए कहा था। सर, 2019 निकल गया, 2021-20 निकल गया, 21 निकल गया, और 22 का गुरुपुरब आने वाला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रोफेसर भुल्लर जैसे जो ना मानसिक मेंटल या फिजिकल हालात में नहीं है कि वो अपनी देखभाल भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी उनको जेल में 27 साल तक उनको बंद किया जब उनकी सजा पूरी हो गई है। सर, उनके केजरीवाल आम आदमी की सरकार पंजाब में वादे करती है, लेकिन यहाँ उनकी कैद रोक के रखती है, उनको कैद उनको फ्री नहीं करती है, उनके मंत्री उनको रोक के रखते हैं। सर, बलवंत सिंह राजुआना 27 साल से जेल में बंद है। सर, 27 साल पहली बारी 1 घंटे का उनको पैरोल मिला अपने पिता के अंतिम संस्कार के जाने के लिए फरवरी के महीने में। सर, इस सरकार ने 2019 में उनकी फांसी की सजा तोड़ के उम्र कैद बनाई थी,
अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार जवाब दे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको उम्र कैद करके इनको रिहा कब किया जाएगा? खेरा साहब जिन 30 साल से जेल में बंद है, सर ये कांग्रेस सरकार ये भावनाएं क्या जाए? इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है, इनकी माँ तो इंदिरा गांधी है और इनकी भावनाएं तो अकाल तख्त के हमले के साथ इंदिरा गांधी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सिख कौम की भावनाएं उन बंदी सिखों के साथ जुड़ी हुई है जो 30-30 साल से काल कोठरी में बंद है। इंदिरा गांधी की हत्या होती, राजीव गांधी की होती है, वो रिहा हो जाते हैं। तो क्यों भाई राजुआना और बलवा भल्ला साहब रिहा क्यों नहीं हो सकते? ये सरकार जवाब दे कि उनको जल्द से जल्द रिहा करेगी कि नहीं। और जितने बंदी सिख, हमारे सिख भाई, जितने बंदी जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या फंडामेंटल राइट्स उनको अप्लाई नहीं करते हैं? अजय निंबालकर जी, उन्हें ये राइट टू लाइफ देती है। केंद्र सरकार की मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुण पंजाब दे विच भी हो गई है। दरअसल इस योजना के तहत पंजाब दे विच ते भारत के होर सूबे विच बच्चों के वो टीके लग रहे हैं जो कि उन्होंने गलघोटू, काली खंघ ते होर कई समस्यावां तो बचा सकते हैं। इस संदर्भ दे विच अज मानसा खेत्र दे विच पंजाब दे सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला दे वल्लों इस मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टर विजय सिंगला ने कहा कि बच्चों नूं बीमारियों तो दूर रखने के लिए इस मुहिम के नाल जुड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी गल कही कि चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब का हक सी है ते रहेगा। दूसरा कैंप लगाया गया जी, जिवें जॉन्डिस है, काला पीले जिन्हों कहने, गलघोटू, होर बहुत सारिया नामराद बीमारियां, उन्हां लई इह सरकार दी पहलकदमी है। दूसरा कैंप लगाया गया और ये हफ्ते लई चलेगा और सारयां नूं मापयां नूं यही बेनती है कि अपने बच्चों नूं उन्हां बीमारियों तो बचाया जा सके और तां जो इह वैक्सीनेशन जरूर लगाउणी चाहीदी। पंजाब दे खाड़ तहसील दे जिहड़े पिंड सी उन्हां नूं उजाड़ के चंडीगढ़ बनिया और चंडीगढ़ पंजाबी बोलते पिंडा नूं उजाड़ के बनाया गया सी। और चंडीगढ़ ते पहला हक पंजाब दा, जदों भी कोई नवें सूबे विचों बने ने, भावें वह अपना उत्तराखंड होवे, तेलंगाना होवे, उत्थे जिहड़ियां पुरानियां राजधानियां ने, जिहड़े पहले सूबे, उन्हां नूं मिलदियां। और पंजाब दा 60% हक समें लई थोड़ी जिही टाइम लई हरियाणे नूं दित्ता सी, पर बहुत केंद्र सरकार दीआं जिहड़ियां लोकां नूं पाड़न दीआं नीतियां ने, उहदे तहत जिहड़ा इह पत्ता खेड रही है केंद्र सरकार, पर साडे पंजाब दे लोक, साडी पंजाब सरकार, असीं इहदे 'च उहनां नूं कामयाब नहीं होण देवांगे, क्योंकि पंजाब साडा पंजाबियों का, साडे खून पसीने नाल पंजाब बनाया और पंजाब पंजाबियों का ही रहूगा। सारिया टीमां साडियां सरगर्म ने और सारयां नूं कहा जिहड़े वड्डे वड्डे बिग फिशिज है उन्हां नूं फड़ो कि छोटे आपां एवें दुधियां नूं घेरन की लोड़ नहीं हैगी, जिथे दुध की मतलब वड्डी मात्रा च पता लग्या और हजे सानूं कोई इनफॉर्मेशन मिलती है तां उह वी दिओ, डायरैक्ट मैं अपना नंबर दऊंगा उते दिओ, तां जो ये जिहड़ा लोकां दी सेहत नाल खिलवाड़ हो रहा उहनूं नकेल पाई जा सके। इहदे लई साडे सारे समाज है, मैं उहनूं बेनती करदा कि सानूं सहयोग दे, कोई नकली दुध है, नकली खोआ, नकली पनीर, जिहड़ा भी कुछ बनता है जिहदे नाल साडी मनुखता दी सेहत दा नुकसान हुंदा, उहनूं हर हीले पूरी इमानदारी नाल और मेहनत नाल काबू करांगे। पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते कांग्रेस पार्टी दे वल्लों महंगाई दे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा। दरअसल भारत दे विच तेल दीआं कीमतां नूं अग लगी पई है, गैस सिलेंडर भी हद महंगा हो चुक्या है, बसां दे भाड़े वध रहे ने, इस तों इलावा हर रोज़ खाण पीण वालियां चीज़ां दी कीमत दे विच अथाह वाधा हो रहा। इस सिलसिले दे तहत अज विधानसभा हलका भुलथ दे विच कांग्रसियां दे वल्लों वड्डे पद्धर दे उत्ते केंद्र दी सरकार दे खिलाफ़ प्रदर्शन किया गया। इस मौके दे उत्ते सीनियर कांग्रसी आगूआं दे वल्लों यह गल कही गई कि केंद्र दी सरकार दे वल्लों लोगों नूं मारन वास्ते कोई कसर नहीं बाकी छड्डी जा रही, पर लोग जिंदगी जिउणा चाहुंदे ने। उन्होंने कहा कि महंगाई नूं ठल पाउण दी गल करके केंद्र दे विच बीजेपी आई सी, पर हुण उन्होंने वल्लों जिस तरीके नाल लोगों का आर्थिक तौर दे उत्ते जलूस कढ़िया जा रहा, यह बेहद मंदभागी गल है। देखो अज्ज दा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सीगा कि जिहड़ी प्राइस राइज हो रही है, बहुत ज़्यादा इनफ्लेशन हो रही इंडिया दे विच, उहदा विरोध किया जाए सारे डिस्ट्रिक्ट लैवल हेडक्वार्टर से। उस नूं लैके अज्ज असीं सारे नवतेज सिंह चीमा, साढ़े प्रेजिडेंट DCC दे रमेश डडविंडी जी और सारी भुलथ की लीडरशिप, फगवाड़े की लीडरशिप, सुल्तानपुर की लीडरशिप इत्थे पहुँची हुई है कपूरथले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कारण यह हैगा कि पिछले 12 हफ्तों के विच 12 वार तेल दीआं कीमतां वधाईआं गईआं, मतलब आज पेट्रोल हैज़ क्रॉस्ड 100 rupees a litre एंड सिमिलरली डीजल इज़ ऑलसो बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डनरी फार्मर्स एंड नॉर्मल कंज्यूमर्स, लगभग 92-93 rupees डीजल पहुँच गया वा। कि इन्नी महंगाई में आम आदमी अपनी जिंदगी दे दो वक्त की रोटी खा सकता वा? कल्ला तेल दीआं कीमतां नहीं, गैस सिलेंडर दीआं कीमतां, कैरोसिन ऑयल दीआं कीमतां, रोज़मर्रा दीआं चीज़ां जिहड़ियां भारत में मिल रही ने
ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀ ਆ ਆਕਸਫੈਮ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਆਕਸਫੈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਰਿਚ ਐਂਡ ਦ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਵਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਥ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 73% ਵੈਲਥ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 73% ਵੈਲਥ ਸਰਮਾਇਆ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 73% ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਲਥ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਬਾਕੀ 99% ਕੋਲ ਕੇਵਲ 27% ਸਰੋਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਰੂਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰਾਤੀ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ 7 ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੰਬ ਸਕੋਡ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 250-300 ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਆ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੌ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀਰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਸੋਚੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ
अजे भी साडे साथी घटो घट 50-60 तो अबव बाहर भी बैठे है, होर भी आ रहे, छोटे छोटे बच्चे भी उन्होंने नाल रोकया जा रहा है। हां जी, उन्होंने रोकया जा रहा है, बैरीकेड तुसी देख लो लग चुके हैं कि जेकर असी वॉशरूम नहीं बाहर जा सकते, आ बैक साइड पौड़ी लगी है, पंप है, पौड़ी थ्रू असी जा रहे, उन्हें पौड़ी चुक ली, एक ऑफिसर है कल दह कल तो बहुत ज्यादा सानू परेशान कर रहा है, बट जे साडी कोई जान नू तकलीफ हुंदी जां मेरे साथियों नू कुछ भी उन्नी की गल हुंदी, उंदा जिम्मेवार प्रशासन होएगा जां भगवंत मान जी होणगे। भगवंत मान जी उठो, जागो, किथे सी, आओ साडे सामने गल करो साडे नाल। तुसी बोलदे सी यार दबन्नी दबदे किथे आ, सोंग बोलिया सी ना, वीडियो वायरल हुई, तुसी आम जनता नू दबा दिता, सानू बेवकूफ बना दिता, किथे हो सी, असी ओही आम जनता, अज एक मौका दिता 5 साल बाद देखियो असि भुगत रहे हैं, साडे सामने तो असि आम जनता नू अपील करते हैं, इत्थे आ के वेखो, सारिया यूनियन नू अपील करते हैं, इत्थे आ के वेखो साडे नाल की अत्याचार हो रहा है, साडी बेनती है, शायद तुहानू असि गलत लग रहे होवांगे, पर एक बार इत्थे आओ, जिन्हू मर्जी भेजो, वेखो साडे नाल की हो रहा है। थाना पैणी मियाँ खां दे अधीन आउंदे पिंड फुलड़ा दे विच अज जमीनी विवाद दे करके गोली चली, जिस करके कांग्रसी सरपंच समेत 3 लोकां दी मौत दी खबर प्राप्त हुई है। दरअसल पिछले काफ़ी लंबे समय तो इत्थे जमीनी विवाद चल रहे सी, पर अज यह जमीनी विवाद इस कदर पक गया कि इत्थे तू तू मैं तो गल चलदी चलदी गोली चलने तक आ गई, तो विरोधी धिर दे वल्लों यानी कि दूजी धिर दे वल्लों गोलियां चलाउण दे करके पहली धिर दे 3 लोकां दी मौत दी खबर प्राप्त हुई है। इस मामले दे विच मृतकां दा पोस्टमार्टम हुण कीता जा रहा है, तो पुलिस दे वल्लों इस मामले की पड़ताल आरंभ दी गई है। मेरा नाम चरण सिंह जी, सुखराज सिंह जी, हाँ जी बेटा जी, पता नहीं जी पैली च गया तो उतो उन्होंने बारों आए ने 14-15 गड्डिया लै गई, 100-150 आदमी गया तो सीधी गोलियां मारनी शुरू करती ने, तो अं इतने आए तो इतने पता लगे भी तेरा मुंडा मारता इतने हूँ ही आ गए हैं। मंग जी साड़ी जो फैसला गवर्नमेंट का कानून है जी, उन्होंने परचे होने चाहिए ने, जिन्हें बंद जबर तो जबर परचे होने चाहिए ने, और की होने चाहिए हैं, क्या पहुंच नहीं, मैं इतने ही हाँ जी, मैं घर भी नहीं पहुंचा, मैं चरचोवाली, मैं खाता ही चला आया हाँ, मैं चरचोवाली हाँ। पंजाब सरकार ने वल्लों 1 अप्रैल तो कणक की सरकारी खरीद का सिलसिला शुरू किया गया, पर हाले तक मंडियों के कणक बहुत घट आ रही है। हालांकि यह नहीं कि कणक बिल्कुल भी नहीं आई, पर मुकाबलतन पिछले वरिया ने ऐतकी हाले तक घट पहुँच रही है, क्योंकि जो अगेती कणक सी ते हाथी वड्डी हुई है उहदियां ही ट्रालियां इस वक्त मंडियों के आ रही ने। पर एशिया की दूजी सब तो वड्डी मंडी जानी जाती नाभे की दाणा मंडी, उहदे विच हाले तक एक भी ट्राली कणक की भरी हुई नहीं आई, तो अज नाभे के विधायक देव मान दे वल्लों इस दाणा मंडी का दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच किसी भी किसान नूं कोई परेशानी नहीं आउण दित्ती जाएगी, मंडियों के सारे प्रबंध पुख्ता ने, मंडियों के पीण वाले पानी के प्रबंध तो लैके शानदार दरख्तों तो लैके बारदाने तो लैके हर तरह की सहूलत का प्रबंध किया गया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने वालों किया गया यह ऐलान कि उस दिन सेम डे किसानों उन्हों की फसल का भुगतान होगा, यह गल यकीनी बनाई जाएगी। बिल्कुल ही अज मंडी बोर्ड नाभा दाणा मंडी के मीटिंग की है, और क्योंकि कणक का सीजन जिहड़ा जी ऑलरेडी 1 तरीक तो जिहड़ी है उहदी विक्री शुरू हो चुकी है, और बेशक हले मंडी दे विच कणक नहीं आई, पर उम्मीद करते हैं 2-4 दिनों दे विच आनी शुरू हो जाऊगी। अज सत्कारयोग मैडम कन्नू गर्ग जी एस टी एम नाभा ते सैकटरी साहब ने जी कमेटी दे ते सारे अहुदे जिहड़े अहुदे ते अलग अलग ड्यूटियां दे रहे ने, सारे अफसर साहबान इत्थे पहुंचे ने, ते सब तो फीडबैक ली गई है जी, सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी आउंदी है जी बारदाने की, और इस वक्त मैं मेरे सामने पिया पेपर जिहदे विच तकरीबन 80% बारदाना जिहड़ा जी नवा वह ऑलरेडी नाभा दाणा मंडी तो भासों दाणा मंडी के पहुँच चुकया, जिहड़ा 20% बारदाना वो आना बाकी है जी, तो ये जिहड़ा लिफ्टिंग का प्रोग्राम हैगा उहदे विच ट्रक यूनियन नाभा दे 300 ट्रक ने जी, और भासों के 169 ट्रक ने, तो साढ़े ट्रक यूनियन के प्रधान साहबान भी आए हुए हैं, तो ये मार्क फैड है जी जिन्होंने यह चकना कणक जिहड़ी, और पनसप है, तो वेयरहाउस है, तो पनग्रेन है, 4 कंपनियां ने, और चारा ने ही ये जिहड़ा जी इतों जिहड़ा कणक खरीदनी और चकनी है, तो ये
मेजर एक तो हैगी बारदाना, बारदाना 30% ऑलरेडी आ चुका है, जो बाकी 20% वो भी मेकश्योर करते हैं भी जल्दी आ जाए। जी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है वो की है कि कणक का सीजन एकदम ही आ जाता, झोने का सीजन रुक रुक के आता, तो लिफ्टिंग की बहुत वड्डी प्रॉब्लम आती है जिद करके लेबर से भी एकदम लोड पै जाता, ट्रकों पर भी लोड पै जाता, अगे जिथे जिथे जाके वह जी कणक लाइनी है उत्थे भी एकदम जी ट्रैफिक हो जाती है। सो ये भी बेनती की सब नूं कि जरूरी किया जाए कि जी लिफ्टिंग है वो प्रॉपर समूथ चले, और अगर जो कोई पीक टाइम है वो लेबर वध जी हायर की जाए ताकि किसानों कोई समस्या ना आए, ना आर्थिक समस्या आए। और जी दाणा मंडी के पीण वाले पानी की समस्या, सैकटरी साहब बैठे ने, इन्होंने कहा कि असी 100% पहला साढ़े को 9 ने वाटर कूलर और लोड पई तो असं होर भी लावे। वाशरूम तो टॉयलेट की बहुत वड्डी समस्या जी, तो वो इन्हों टैंपरेरी जे आर्टिफिशियल वाशरूम टॉयलेट वगैरह होंगे जी वो इतने लाने वास्ते कहा गया, और भासों दाणा मंडी के भी लाने वास्ते कहा गया कि उत्थे भी एक्सट्रा वो लाए जाण। और जिहड़ियां बाकी पिंडां च मंडियां ने जी, चाहे वह बनेरे वाली मंडी है, चाहे वह थूही वाली मंडी है, चाहे हल्ला वाली मंडी है, जिहड़ियां भी अलग अलग मंडियां ने, चाहे गलवट्टी वाली मंडी है, सारिया मंडिया के भी उत्थे मेकश्योर है कि उत्थे पीण वाला पानी तो टॉयलेट वाशरूम का प्रॉपर कमेटी वालों प्रबंध किया जाए, क्योंकि सरकार का काम है जी। सो ये गल्लां बातां सारिया जिहड़ियां ने होईयां ने, और इहदी प्रॉपर मोनीटरिंग करांगे, एक टीम भी बनावांगे परसनल जिहड़ी चैक भी करूगी, और अगर इस दरम्यान कितें भी किसान भरा भी है जाए से उन्होंने भी अपने सुझाव दिते ने, सारे अफसर साहबान ने अपनी अपनी गल रखी है, और आड़ती एसोसीएशन के प्रधान भी बैठे ने, साबका प्रधान बैठे, सारे बैठे ने, तो सब ना डिस्कशन हुई है। साडा मकसद है जी कि आम पार्टी की सरकार नवी नवी बनी है और पहला सीजन है कि बिल्कुल समूथ चले, कितने भी किसान नूं, कितने भी आड़ती नूं, और कितने भी अगे जिहड़ियां एजेंसियां ने उन्हां नूं भी कितने प्रॉब्लम ना आवे। और एक मैं हथ बन के बेनती किसान भरावां नूं करनी चाहुंदा कि तुसीं अपनी जिहड़ी कणक लैके आओगे वो बिल्कुल सुक्की लैके आ, ऐ ना वे मंडी दे विच आपां नूं सुकाउणी पवे, उहदे करके भी काफ़ी प्रोग्राम जिहड़ा वो डिस्टर्ब हो जांदा इत्थे। सो तुसीं सारे समझदार हो, सियाणे हो, वैसे तां सुक्की आउंदी है इत्थे कणक। पंजाब दे विच गैंगस्टरां वल्लों लगातार गोलियां चलाईयां जा रहियां ने ते बेकसूर लोकां नूं मौत दे घाट उतारिया जा रहा। अज भी गैंगस्टरां दे वल्लों मेटा बाईपास दे उत्ते फगवाड़े दे विच गोली चलाई गई, पर जिहड़े मोटरसाइकिल सवार ने यह गोली लगी उसकी जिंदगी दा बचाव हो गया। जानकारी के मुताबिक विपिन कुमार नां दा यह नौजवान जदों मोटरसाइकिल दे उत्ते अपने काम काज के सिलसिले में जा रहा सी तां मोटरसाइकिल दे उत्ते हैलमट पहनी दो नौजवान आए ते उन्हां दे वल्लों इस नौजवान विपिन कुमार दे गोलियां मार के गईयां ने। पुलिस के वलों इस मामले की हुण पड़ताल की जा रही है, तो विपिन कुमार हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। ਮੋਨਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਭੜਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੀਬੀ ਜਰਵਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਜਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਮਾਰੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ ਆ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਫਸਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੀਪ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਟੇਬਲ ਸੀ ਜਾਂ? ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸਟਿਲ ਇੰਜਰੀ ਡੀਪ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਜੀ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। अमृतसर के रणजीत बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अज तीजी मंजिल के अग लगन की खबर प्राप्त हुई है। हालांकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं होया, पर शॉर्ट सर्कट के करके या किसी होर कारण के करके यह अग लगी, इसकी पड़ताल बाकी है। यह भी पता लगा कि जो तीजी मंजिल के उत्ते अग लगी तो उस तो बाद पहली तो दूजी मंजिल के उत्ते भी हफड़ा दफड़ी मच गई। फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां मौके दे उत्ते आईआं ते उन्होंने वालों अग बुझाउण दी कोशिश की गई है। बर्गर किंग आ जी, पजेरिया के नज़दीक उत्थे पता लगा सी कि हाईलाइट सेंटर दे विच अग लगी आ। मौके ते फायर ब्रिगेड पहुँच चुका जी, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं हाले पता नहीं लगा जी, हाईलाइट सेंटर है जी।
नहीं हाले तक यह कोई खबर नहीं की जी, अपना काम कर रहे जी। वो 6-7 गड्डियां पहुँच चुकी जी पानी दी, हेडली बिल्डिंग ते काबू पा लिया उन्होंने, जल्दी बाकी भी काबू पा लेंगे जी। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।